चैटबॉट लग सकते पूछे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन fail2pass.com। टुडेज न्यूज कमिंग लाइक बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सअप भी किया है कि महाराष्ट्र सीटीच्या माध्यमातून उद्धव सामंत जी का ट्वीट आहे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध व्यावसायिक विषयाच्या प्रवेश परीक्षा घेण्यात येतात, COVID-19 च्या वाढत्या प्रादुर्भाव घटना बघता। हा विडा जस्ट टू मिनिट। बघता CET ची जी काही एक्झाम आहे ते काही काळापुरता पुढे ढकलण्यात आली आहे, नवीन तारखा भविष्यात सांगण्यात येतील। वाय आय एम हिअर, देखो बहुत सारे पब्लिक को ये पता है, वन्स अगेन आय एम हिअर। वाय आय एम हिअर बिकॉज हॅलो ऑल ऑफ यू, हाय ऑल ऑफ यू, काफी लोग हाय कर रहे हैं, ओमकार हाय जो भी है। तो एक अभी इसके पहले जस्ट मैंने 2 मिनट पहले एक मेडिसिन के ऊपर एक वीडियो बनाया COVID के ऊपर, ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क कंपनी ने, मैं आपको बता दूं जो अभी मैंने वही रिपीट किया है कि ग्लेनमार्क कंपनी ने COVID के ऊपर दवाई ढूंढ ली है, ठीक है। तो मयंक मत नाचो, वेट फॉर माय स्पीच कंप्लीशन। व्हाई? बिकॉज ग्लेनमार्क ने अगर दवाई ढूंढ ली है, 2 दिन पहले की बात है, तो टिल दिस एंड मंथ एंड अभी भी अपने पास काफ़ी टाइम है, जून के एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये दवाई काफ़ी लोगों तक पहुँच जाएगी। वंस दिस इज लाइक स्प्रेड टू ऑल ऑफ इन ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर महाराष्ट्र, तो बट ऑब्वियस है COVID के पेशेंट पे इफेक्ट गिरेगा। तो वन मोर थिंग इज दैट, ये पढ़ा नहीं 88% पूर्ण है बेटा। देखो एक बात बोलता हूँ मैं, 2-3 बातें आपको बोलता हूँ कि आप लोग, पहली बात तो पोस्टपोन बोला गया पर कुछ डेट फिक्स नहीं गया, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, तो इसका मतलब आप 100% रिलैक्स न होइए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि जस्ट, क्योंकि देखो डिसीजन कभी भी आ सकता है, बिकॉज कि अभी भी ये जो डिसीजन है उदय सामंत जी ने लिया है, बट UGC का जो रिपोर्ट है, UGC के रिपोर्ट के हिसाब से 15 सितंबर से कॉलेजेस स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग के। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि आप समझिए, अगर ये दवाई 88% अगर प्रूफ है, तो बट ऑब्वियस है कि फिर डायरेक्ट डरना, ज़्यादा पब्लिक उससे डरेगा नहीं। और इसका अनाउंसमेंट कभी, मैं आपको एक ही इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि मैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक कर, जस्ट ब्लॉक कर लो ना, आए देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वाई यू आर वर्किंग फॉर पोस्टपोन एग्जाम, वाई यू आर हैप्पी फॉर पोस्टपोन एग्जाम्स। एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, पर ये भी आपको पता नहीं है कि पोस्टपोन कितने दिन के लिए हुआ है। इट कैन बी, अगर उन्होंने बोला है पोस्टपोन तो जुलाई के एंड में भी तो हो सकता है, अगस्त के फर्स्ट वीक में भी तो हो सकता है, उनको तो वैसे भी 6 दिन दे वांट ओनली 6 डेज, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो वो क्लियर नहीं किया है कि एग्जाम कितने दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो पहली बात तो मैं आपको दिल से बोलूँगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, जस्ट वर्कआउट ऑन प्रिपरेशन। क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम, ऐसा तो बोला नहीं कि 1 साल के लिए पोस्टपोन किया गया, ऐसा तो बोला नहीं कि 6 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया, बट एग्ज़ाम अगर अगस्त का फर्स्ट वीक में लिया तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस न्यूज़। अगर एग्ज़ाम जुलाई के एंड में लिया गया तो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। बिकॉज बेटा देखो, आप मेरे बहुत सारे बच्चों के मेरे को मैसेज आते हैं कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ। मैं आपके सपोर्ट में, पेरेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, स्टूडेंट अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो पोस्टपोन हो गया, आप रिलैक्स नहीं होना है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ सुरेश कुलकर्णी पूछो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कितने दिन के लिए आया है? सुरेश कैन यू एक्सप्लेन मी हियर, हाउ मेनी डेज कैन यू एक्सप्लेन मी सुरेश हियर, कितने दिन का बोला गया पोस्टपोन, यू कैन एक्सप्लेन मी हियर। ऑफिशियली उदय सामंत जी ने ये बोला है कि पोस्टपोन होगा, पर पोस्टपोन का मतलब ये तो नहीं होता ना कि कैंसिल होगा।
व्हॉट आय एम सेईंग गाइज की देखो सीईटी में ये क्या बोल रहा हूँ, चलो ठीक है पोस्टपोन भी होता है, डजंट मैटर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, बट वो एग्जाम जुलाई के एंड में हो सकती है। अभी भी ऐसा नहीं बोला गया कि 4-5 महीने के लिए पोस्टपोन। कुछ स्पेसिफिकेशन मिला है क्या आपको? कुछ स्पेसिफिकेशन सर ने उदय सामंत जी ने क्लियर किया है कि कब तक पोस्टपोन होगी? और मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है कि पोस्टपोन का मतलब कैंसिल नहीं होता है, पोस्टपोन का मतलब कैंसिल नहीं होता है। आप लोग प्लीज़ पढ़ाई को स्टॉप नहीं करोगे, आज आप मुझे सब प्रॉमिस करो। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है पोस्टपोन हो गया मतलब एग्जाम खत्म, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो टाइप के पीपल है, यहाँ के दो टाइप के पीपल है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया वो तो यही चाहते कि पोस्टपोन हो जाए या कैंसिल हो जाए, पर जिन्होंने पढ़ाई किया है दे वॉन्ट एग्जाम हो, और जितना जल्दी एग्जाम खत्म हो जाएगा उतना जल्दी आप लोग फ्री हो जाओगे। और मुझे एक बात बताइए, इज इट सोल्यूशन कि दो, क्या आपको क्या लगता है कि दो तीन महीने के बाद क्या केसेस कम होंगे? व्हाट योर प्लान, व्हाई आर पोस्टपोनिंग द एग्जाम्स? दो तीन महीने के बाद क्या सोल्यूशन है उसका कि एग्जाम आगे जाके इश्यूज नहीं होंगे? क्या गारंटी है उसका? तो व्हाट आई एम सेइंग कि अभी जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ मेरे हिसाब से तो इनकम्प्लीट होगा। पोस्टपोन का मतलब कैंसिल नहीं होता है, मैं आपको क्लियर करूँगा। और प्लीज़ आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ना स्टॉप नहीं करोगे। मैं आपको बताता हूँ, कुछ डेटा आपको मैं देता हूँ। मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने मास ट्वीट किया, इट इज़ गुड, आई एम ऑल्सो सपोर्ट विद देम। पर एक एनालिसिस जो मैंने किया, आपको मेरा एनालिसिस बताता हूँ क्योंकि मैं भी उनके सपोर्ट में ही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बट एक एनालिसिस है क्योंकि कोवाइडी की वजह से मुझे पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारे जाना प्रॉब्लम है, तो आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग विद देम ऑल्सो। बट अभी एक अवगर देखो तो 5-5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से पकड़ लो 1 लाख या हार्डली 25-30-40-50 हज़ार लोगों ने ट्वीट किया था, ठीक है? तो इसका मतलब आप समझिए, 5 लाख में से ओनली 1% लोगों ने भी, 10% लोगों ने भी तो ट्वीट नहीं किया। इसका मतलब बाकी के 4.5 लाख पब्लिक पढ़ाई कर रहा है, 4.5 लाख पब्लिक पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? टीच न्यूज एंड अनबॉक्सिंग, ओके ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आई एग्री। अभी एक ऐसा भी तो है, आपको एक डेटा बता दूं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो क्या कर रहा है, दैट तालुका प्लेसेस पे एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। हाँ, तालुका लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करने, एग्जाम्पल अगर मैं विरार में हूँ तो विरार में हूँ एग्जाम होगा बेटा, एग्जाम तो अभी तक जो न्यूज़ है ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हिसाब से यही है कि पोस्टपोन हुआ है, पर कितने दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है ये क्लियर नहीं हुआ, दिस डेटा इज नॉट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में ये बताऊँगा कि पोस्टपोन हुआ इसका मतलब कैंसिल हुआ ऐसा नहीं होता है ना, जिस दिन वो लोग मेंशन कर देंगे इट इज़ कैंसिल तो कैंसिल। तो देखो मैं ये आज वीडियो लाने का कारण क्या, ये ट्वीट सबके पास है, ये न्यूज़ सबके पास है, तो बहुत सारे बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे, यार सीईटी का कैंसिल पोस्टपोन हो गया, तो पोस्टपोन इज नॉट इक्वल टू कैंसिल। सीईटी का एग्ज़ाम होगा, तो सीईटी का एग्ज़ाम आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहना, आप डिमोटिवेटेड मत होना, आप डिमोटिवेटेड नहीं होना, आपको पढ़ाई ही करना है। कोई कुछ भी बोले यार, जो बंदा पढ़ाई नहीं किया है वो चाहता है कि कैंसिल हो। अगर आपने मजाक नहीं, अगर आपने थोड़ा भी मेहनत, 10% भी अगर आपने मेहनत किया है तो यू ऑलवेज एग्री कि एग्ज़ाम होना चाहिए, और जो बंदे ने पढ़ाई नहीं किया वो तो यही चाहेगा कि एग्ज़ाम ना हो। बट इतना तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि पोस्टपोन का मतलब कैंसलेशन नहीं होता है, वो डिले किया गया कुछ समय के लिए। तो एक गुड न्यूज़ आपके लिए ऐसा भी है कि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया है, आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया। हाँ बेटा मनोज पाटिल, आई एम एग्री विथ योर स्टेटमेंट बेटा, बट कितना गाइडलाइन चेंज करेंगे वो लोग? 1-2 महीने के बाद तो ले ही लेंगे ना। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जून है, वैसे भी तो एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला था, लास्ट वीक ऑफ जुलाई, तो जुलाई के लास्ट या जून अगस्त के फर्स्ट वीक या अगस्त से 15 अगस्त तक जा सकता है। तो बट आपके पास तो भी तो 1 या 1.5 महीने का ही टाइम है ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग विथ यू, बट देखो यार, उदय सामंत जी ने एक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ था हमको कि एग्ज़ाम का डेट कब तक एक्सटेंड होगा। अगर ये चीज़ कर देते तो काफ़ी ईजी हो जाता हम लोगों के लिए, समझने के लिए। भविष्य काला सांगण्यात येतील मीन्स व्हॉट, इन फ्यूचर, तो इन फ्यूचर तो जुलाई भी होता है, इन फ्यूचर तो ऑगस्ट भी होता है, इन फ्यूचर तो सितंबर अक्टूबर भी होता है। तो मैं ही बोल रहा कि प्लीज़ आप लोग आपका पढ़ाई, मेरा एक मैसेज आपको मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपना पढ़ाई स्टॉप नहीं करोगे, अपना पढ़ाई स्टॉप मत करो।
ठीक आहे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलै वैसे भी हम लोग को नाही लग रहा था की पॉसिबल आहे बिकॉज ऑफ कोविड. आय एम अग्री विथ दॅट स्टेटमेंट, बट ॲटलीस्ट लास्ट वीक ऑफ जुलै जा सकता है. फिर से वो क्वेश्चन फिर से आ गया है, उल्टा हमको और कन्फ्यूज हम लोग हो गए. लास्ट वीक ऑफ जुलै होगा या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होगा या 15 अगस्त जाएगा या फिर अगस्त में होगा. तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इन फ्यूचर, हाँ इन फ्यूचर जुलाई भी होता है, अगस्त भी होता है, तो इट इज़ नॉट क्लियर नोटिफिकेशन वा गेटिंग नाउ. तो ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों को रिलैक्स करने के लिए पोस्ट सर जी ने डाला होगा. बट सर जी ये भी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं. अभी आपने देखा होगी कल परसों की बात है, संदीप कदम जी जो है कमिश्नर ऑफ MSTCT, उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट वीक में हॉल टिकट अनाउंस हो रहा है. तो मे बी वो लोग 8 या 10 दिन डिले कर देंगे ना. 10 दिन का पोस्टपोन मतलब पोस्टपोन थोड़ी ना होता है. तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर आपने कम्प्लीटली प्रिपरेशन स्टॉप कर दिया तो यू आर इन ट्रबल, आप लोग ट्रबल में आ जाओगे. बात समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. मैं मेरे हिसाब से बेटा देखो, जिस तरह से सर ने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया है, इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है, भविष्यकाल जुलाई भी हो सकता है, ये भविष्यकाल अगस्त भी हो सकता है, ये भविष्यकाल सितंबर भी हो सकता है. तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. तो बट एक बात बोलूंगा, पोस्टपोन का मतलब कैंसिल नहीं होता है, पोस्टपोन का मतलब पोस्टपोन होता है. हाँ तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप अगर एक गुड न्यूज़ ऐसे भी है कि आपको पढ़ने के लिए और 1 महीना टाइम मिल गया, बहुत सारी पब्लिक तो वैसे ही परेशान है, पढ़ पढ़ के पागल हो गए कब तक पढ़ेगी. तो अभी ये मुझे क्या लग रहा है बताए. हाँ चंदन माली यू आर ऑल्सो राइट, यू आर ऑल्सो राइट. ये जो भी है तो सुरेश, हाँ बेटा ये तो है कि और पढ़ो, और कितना पढ़ना है यार, दैट इज द क्वेश्चन, और कितना पढ़ना है. ये मैं भी समझ रहा हूँ कि एक बार का झंझट खत्म हो जाए जो भी है. हाँ यू आर राइट मैक बेटा, जो भी एक बार का खत्म हो. JEE का बेटा अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया, बट अभी इस डिसीजन में क्या होगा बताया, UGC के भी तो रिपोर्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे ना यार. तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, डोंट सी द न्यूज ऑफ पोस्टपोन एंड ऑल. इवन मेरा भी है तो मत देखो यार, आप मत देखो, क्योंकि उससे आप क्या होते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप पढ़ाई को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, होता है. तो उससे क्या होता है कि आपका प्रिपरेशन होता नहीं है. तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि प्लीज़ वर्कआउट ऑन प्रिपरेशन. आप प्रिपरेशन स्टॉप नहीं करोगे. अगर देखो आपका एक बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा टाइम मिल गया, पर एक लॉस ये भी तो हो गया ना, जो बंदा आज मॉक में 180 मार रहा है वो 2 महीने के बाद 190 तक पहुँच जाएगा, जो टॉपिक उसका वीक होगा वो उसको वर्कआउट कर लेगा. तो पोस्टपोन होना गुड न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं है, बैड न्यूज़ भी नहीं है. तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा बैड, देखो बेसिकली क्या गुड न्यूज़ ये हो सकता है कि टॉपर टाइम मिल गया है, पर बैड न्यूज़ ये है कि जो टॉपर है वो तो टॉप करने ही वाला है, वो तो टॉप मारेगा ही. तो देखो बेसिकली सर ने जो मेरे हिसाब से वहाँ पे, मैं सर को आज ट्वीट करूँगा, सर को ये पूछूँगा कि यार एक चाहिए तो आप एक ट्वीट आप लोग ना और एक ट्वीट कर दीजिए. आप जो भी वीडियो मेरा देख रहे हो तो सबको सर को ये बोलिए, सर प्लीज़ डेट क्लियर कर दीजिए, प्लीज़ मंथ क्लियर कर दीजिए. ये कन्फ्यूजिंग वाली स्टेटमेंट है. आई वॉन्ट क्लियर नोटिफिकेशन कि कब पोस्टपोन होगा, कितना दिन और हमको देना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि वी आर नॉट फाइंडिंग प्रॉपर नोटिफिकेशन. तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से या इस लाइव सेशन के माध्यम से, प्लीज़ डोंट वेट, प्लीज़ डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन. अगर आपने प्रिपरेशन स्टॉप कर दिया यू आर इन ट्रबल, आपने अगर प्रिपरेशन स्टॉप कर दिया यू आर इन ट्रबल. तो देखो मैं एग्री विद बेटा, एग्री सर मेरे सिलेबस अपील में, बट हाँ आई एम एग्री विद योर स्टेटमेंट, बट क्या बोलूँ, क्या कर सकते उसको अभी ना. हाँ हाँ राइट, ओमकार शेलके यू आर राइट, दे आर वर्किंग ऑन डेट्स, मे बी डेट 2-3 दिन में आ जाएंगे. ओमकार शेलके यू आर राइट, टेक न्यूज, हाँ पोस्टपोन इज नेसेसरी ऑलवेज, आई एम एग्री विद दैट स्टेटमेंट. बट व्हाट आई एम सेइंग कि सर को, मेरे को, मैं बच्चों के साथ ही हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग कि प्लीज़ गिव ऑफिशियल फिक्स डेट्स यार, हमको एक डेट दे दो, मतलब हमारे बच्चे कन्फ्यूज नहीं होंगे, हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, हमको डेट चाहिए. तो आज एक सर को ट्वीट आप करिए, सर जो भी वीडियो देख रहा है सर को ट्वीट करिए कि सर एक डेट दे दो यार, कुछ तो बता, एटलीस्ट मंथ बता दो. अभी भविष्य काल का मतलब क्या होता है, भविष्य काल जून के एंड भी तो होता है. क्या भरोसा कि 30 जून को आके सर बोल दे कि 15 जुलाई को एग्ज़ाम है, क्या भरोसा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आके बोल दे कि लास्ट वीक में वीक में जुलाई में एग्ज़ाम है. तो ये बात है कि सर को एक ट्वीट करिए प्लीज़, ये जो क्वेश्चन है कि सर कौन से मंथ में एग्ज़ाम होगा, आप उदय सामंत जी को ट्वीट करिए, उनको पूछिए कि सर एग्जैक्टली हमको डेट एक बता दो. तो शायद वो ओमकार शेलके ने सही बताया कि 2 दिन में वो लोग डेट्स आपको बता देंगे. देखो अमित केसवानी, आपका क्वेश्चन है कौन से मंथ में होगा, आप फिलहाल जुलाई और अगस्त मंथ लेके ही चलो यार, आप प्लीज़ अपना प्रिपरेशन स्टॉप मत करो. ओमकार शेलके, हाँ राइट, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट.
तो मेरा कहने का मतलब कि प्लीज़ आप लोग पढ़ाई स्टॉप नहीं करोगे, एग्ज़ाम कैंसिल होने का नोटिफिकेशन नहीं आया, ज़्यादा खुश मत होना भाई लोग, एग्ज़ाम कैंसिल होने का नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, मैं बड़ी अनबॉक्स कर रहा हूँ, एग्ज़ाम कैंसिल होने का नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन भी इतना कि पोस्टपोन, पर भी प्रॉब्लम के पोस्टपोन। तो आज मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से सबको बोलूँगा कि आप सर को एक मैसेज डालिए, सर एग्जैक्ट डेट बताइए या फिर जो भी फिक्स बताइए कि हम लोग कुछ प्रिपरेशन कर पाए अकॉर्डिंग टू टाइम। और मैं आज आपको फिर से रिपीट करूँगा कि आप अपना प्रिपरेशन स्टॉप नहीं करोगे, प्लीज़ डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चों का होता है कि यार सुबह उठते वही वीडियो देखते पोस्टपोन का, दोपहर को वही वीडियो देखते, रात को वही वीडियो देखते, पढ़ाई तो करते नहीं, तो अरे क्यों देखे जा रहे हो यार, क्यों देखे जा रहे हो, एक दो दिन में लेटेस्ट न्यूज़ आ जाएगा यार। देखो साक्षी बेटा साक्षात प्रोडक्शन जो भी हो, एग्जैक्ट डेट व्हाट आई एम सेइंग, लास्ट वीक ऑफ, देखो अभी भी जुलाई या फिर अगस्त कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो बोला कि डेट कौन सी पकड़े, कौन सा डेट हो सकता है, तो मैं आपको एक ही बोलूँगा, नहीं बेटा, नहीं चिराग, नहीं चिराग, यू आर ऑन रॉन्ग स्टेटमेंट, नहीं बेटा पोस्टपोन कैंसिल हो भी, नहीं बेटा कैंसिल का अभी तक देख, जब तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पोस्टपोन का है, आई एम एग्री विद डैट पोस्टपोन है। देखो मैं व्हाट आई एम सेइंग हियर एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटर, मैं आपको राइट डायरेक्शन बताऊँ कि आपका राइट क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप कन्फ्यूज नहीं होना, जस्ट हैव टू प्रिपेयर, जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, प्लीज़ डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन। अगर कैंसिल हो जाता तो किसके बेस पे वो लोग एडमिशन्स लेंगे, हाँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यार देखो बहुत सारे अभी यूट्यूबर ऐसे भी है, पूछो फाइनल, कि दे आर फाइंडिंग फॉर द व्यूअर्स और क्या बोलते हो उसको, सब्सक्राइबर के लिए वर्कआउट करते हैं, बट यार दिस इज़ नॉट द न्यूज़ के एवरी डे हम लोग सिर्फ पोस्टपोन पोस्टपोन के बारे में बात करें, आई एम नॉट एग्री विद डैट, आई एम नॉट एग्री विद डैट, हाँ। ऑफलाइन के बारे में तो यार कुछ नहीं बोल सकते सिद्धार्थ बेटा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है, जो न्यूज़ है पोस्टपोन हुआ है, भविष्य काल बोला गया, इसका वर्ड का मतलब होता है एंड ऑफ द जून, एंड ऑफ द जुलाई या एंड ऑफ द अगस्त, तो ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। व्हाट आई एम सेइंग कि आप अपना प्रिपरेशन नहीं स्टॉप करोगे, प्लीज़ सिद्धार्थ सिंह योर कमेंट इज़ राइट, सिद्धार्थ सिंह कह रहे हैं कि सर उदय सामंत ने जो बोला उस टाइम भी बोला था पोस्टपोन के बारे में, पर नहीं हुआ, पर भी फिर नहीं हुआ तो फिर, हाँ बेटा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ज्योति यार, तुम लोग जरा मेरा स्टेटमेंट ठीक से सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं पहली बात ये बताऊँगा कि पोस्टपोन का मतलब कितना दिन पोस्टपोन ये क्लियर नहीं किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जून के एंड में या जुलाई के एंड में भी तो एग्ज़ाम हो सकता है, अगर जुलाई के एंड में एग्ज़ाम हो जाता है, कंडक्ट कर लेते हैं, तो पोस्टपोन का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं सर से ये पूछना चाहूँगा, आज आप लोग सब सर को ट्वीट करिए और सर को बोलिए कि गिव मी द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एग्जैक्ट हमको क्लियरली बता दीजिए कि कब तक एक्सटेंड होने वाला है, कितना दिन और एक्सटेंड करोगे, ठीक है, व्हाट इज़ द प्लान फॉर दैट ओनली, ठीक है। तो जुलाई एंड अगस्त भी जा सकता है बेटा, अगस्त भी जा सकता है बेटा। मुकुंद बेटा, मुकुंद पटक, ये ट्वीट किया गया है, सर ने नोटिस नहीं भेजा, इट इज़ अ ट्वीट, आप लोग स्टडी स्टॉप मत करना, जो स्टडी स्टॉप करेगा वो बुरी तरह फंसने वाला है। जो लोग ऐसा लगता है कि पोस्टपोन हो गया मतलब पढ़ाई बंद हो गया, नो प्लीज डोंट ओके। मुकुंद बेटा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, मैं तुला तिकडे लिंक पाठवतो बेटा। तो सी ई टी नीट का भी बेटा जेई नीट का अभी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, पर नीट का अभी तक जब तक आएगा नहीं तब तक शुड बी वेटिंग फॉर दैट ओनली। तो अभी देखो ना, मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि गैनमार्क ने जो दवाई फाइंड आउट कर ले उसका इफेक्ट कुछ तो गिरेगा ना यार, हाँ राइट बेटा, जो भी हो टेक न्यूज, आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर, हाँ ओके। एक मेरे को क्या लगता है, बट ऐसे भी हो सकता है कि इस महीने के एंड तक हॉल टिकट दे देंगे और बाद में बताएंगे ये डेट्स है, वो कुछ भी हो सकता है। ट्वीट ओके किशन, ऑलवेज आई विल हेल्प यू, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको भेज दूंगा बेटा। हाँ इंद्रजीत राउत JEE का भी चल रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग जो उदय सामंत जो ट्वीट कर रहे हो उसमें एक बात ऐड कर दो ना कि एग्जाम का डेट एग्जैक्टली आप बता दो मेरे को क्या रहेगा, तो मतलब हम लोग भी आगे वर्कआउट करें।
साक्षी बेटा, साक्षी सीईटी का वेबसाइट पे नहीं आया है, उदय सामंत जी ने अपने ट्वीट पे बताया। ये यू आर राइट जय पठान, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आफ्टर जेडब्ल्यू नीड्स के डेट्स बताने के बाद वो लोग सीईटी बताएंगे, ऑलवेज ऐसे होता है। यू आर राइट, आपका दुख दुख एक कमेंट कोनार चौधरी बेटा, यू आर ऑल्सो राइट कि जुलाई में अगर आप बोल रहे हो तो अगस्त तक ये चीज़ें जाएंगी, तो ये भी एक इश्यू ना। पोस्टपोन का मतलब कैंसिल नहीं होता, मैं आज भी बोल रहा हूँ। यू आर राइट एस जी, यू आर राइट साक्षी, येऊन जाईल संध्याकाळपर्यंत, इवनिंगपर्यंत ती न्यूज येऊन जाईल बेटा, जसं एक दो दिन में। और चीज़ें अभी तक न्यू डेट नहीं बताया, अभी तक वेंकटेश कुलकर्णी न्यू डेट इज नॉट क्लियर बेटा। हाँ पोस्टपोन है, पर टिल वेन वी डोंट नो, टिल डे वी डोंट नो। ठीक है, मयंक पाटिल आए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मेरा प्रेडिक्शन क्या है। पूछा गेम बॉय, देखो क्या है ना, आपको बताता हूँ गेम बॉय। हाँ लक्ष्य देव, मेरा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल रही है डे बाय डे। दो दिन पहले ही ग्लैमा कंपनी ने कोवाइडी के मेडिसिन के बारे में अप्रूवल ले लिया है, DGCI ने उनको अप्रूवल दे दिया है, तो 88% भी अगर हो रहे हैं तो बट ऑब्वियसली कि केसेस कम गिरेंगे, और केसेस अगर कम होते हैं मेलो गेम मेलो, अगर केसेस कम होते हैं तो बट ऑब्वियसली चांसेस एग्जाम होने के चांसेस, वैसे भी गवर्नमेंट वेटिंग पे कि एग्जाम कैसे ले लें, बिकॉज द प्रॉब्लम सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ना स्टूडेंट प्रॉब्लम है, ना उदय सामंत जी प्रॉब्लम है, ना कोई और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज वॉट, ओनली कोरोना। ठीक मुकुंद बेटा, हाँ आई विल रिप्लाई ऑन दैट। ठीक है, हाँ एज ऑफ नाउ सीईटी पोस्टपोन है, एज ऑफ नाउ ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हिसाब से सीईटी पोस्टपोन है, बट कब तक ये पता नहीं। सुशांत बेटा, अब एज ऑफ नाउ सीईटी पोस्टपोन है, कब तक ये पता नहीं। सीईटी का नीट कब होगा, अभी तो उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, जैसे ही आता है धनजीत जी आई विल रिप्लाई आई विल कम ऑन दैट। श्रेयांश हजारे, थैंक यू बेटा, आई एम ऑलवेज विथ यू। देखो मैं आप आज आपको ये बोलूँगी, आप हमेशा पोस्टपोन के वीडियो मत देखिए प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको प्रिपरेशन नहीं हो पाता, तो आप ये सब भूल जाए दो मिनट। मैं तो बोलता हूँ ना, यूट्यूब सिर्फ शाम को खोलिए या सुबह खोलिए, व्हाट्सअप सिर्फ शाम को खोलिए सुबह के लिए, बाकी का टाइम पूरा पढ़ने के ऊपर ध्यान दो। ठीक है अभिषेक, आई एम कमिंग सून, सर्कल एंड कॉनिक्स का वीडियो लेक्चर लेके आओ, लेक्चर सॉरी। हाँ ज्योति नाते, डबल स्टडी अभी सर। हाँ बेटा अभी क्या करें यार, वो बिकॉज सम स्टूडेंट जिन्होंने ट्वीट किया वो भी तो राइट है, वो तो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैं भी ये भी समझ आऊँ बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे इश्यूज है, पर अभी बेटा अब एक प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व हो जाएगा, गैनमार्क ने जो भी दवाई लॉन्च कर दी है बिकॉज ऑफ दैट बोलते हैं दवाई, यू डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ इट, कि कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स कम हो जाएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम लेना गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मुझे तो लगता है आगे आने वाले 8-10 दिन में ये दवाई ऑल ओवर महाराष्ट्र पहुंच जाएगा, वंस ये ऑल ओवर, उसका दवाई का रेट भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ओनली 103 रुपीज़ है। मुकुल बेटा थैंक यू, अंकित हाँ बेटा सीटी पोस्टपोन हुआ है, 4 जुलाई नहीं है बट कभी भी हो सकता है। थैंक यू बेटा शशवान सारके, थैंक यू बेटा अनिकेत राजपूत, हाँ बेटा सीटी इज पोस्टपोन है। सर को एक काम करो, मैं क्या बोलता हूँ, तुम लोग सर को यही रिप्लाई पूछो कि सर एक फिक्स डेट बता दो यार, एक फिक्स डेट बता दो कि हम लोग प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाए। टेक न्यूज़ अनबॉक्सिंग आप जो भी हो, आई डोंट थिंक तालुका लेवल पे ही होने वाला, ये क्लियर हो चुका है बिकॉज श्रेयांशी हजारे, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा उसका कारण है कि बिकॉज वो लाइक गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, DGCR ने बोला है ऑल, तो वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो किसी को देंगे भी नहीं, तो अगर दवाई आ गई है ना, सपोज दवाई इन मार्केट, तो डेफिनेटली गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट, तो बस बट ऑब्वियस है कि कोविड के पेशेंट्स कम हो जाएंगे। मेरा यही कहना है कि मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को यही लग रहा है कि सीईटी कभी भी हो सकती है। देखो अभी से कारण बता दो, अगर ये ग्लैनमार्क जो भी है इन्होंने दवाई अगर लॉन्च नहीं किया होता तो बट अभी से सीईटी का कोई डेट बताना फिक्स नहीं था, बट दवाई 2 दिन पहले लॉन्च हो चुका है, तो
तो इसका इफेक्ट सब जगह दिखना चालू हो गया है, 88% रिकवरी हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं वो रिकवर हो जाएंगे। वंस वो रिकवर हो गए और दवाई मार्केट में आ गया तो आपका एग्ज़ाम लेना उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। मैं आपको और एक न्यूज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए 500-600 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा। तालुका प्लेसेस पे अगर एग्ज़ाम होता है, एक एग्जाम्पल देखो, मैं विरार में रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है विरार में हैं, उनको अगर विरार का विवाह कॉलेज सेंटर आता है तो दिस सेंटर इज़ क्लोज टू जस्ट हार्डली 15 मिनट पे, तो वहाँ पे जाके एग्ज़ाम तो दे ही सकता है। तो कहने का मतलब, बहुत सारे न्यूज़ ऐसा बोल रहे थे कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वीरेंद्र राय, यू आर राइट, मोस्टली जुलाई एंड और अगस्त का फर्स्ट वीक हो सकता है। तो देखो, आप ये दिमाग में मत डाले, बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे आप डिस्टर्ब मत हो, जो टाइम मिला है भाई उसको यूटिलाइज करो ना यारो, उसको यूटिलाइज करो। डोंट, मैं तो बोलूँ ना, पोस्टपोन का वीडियो देखना बंद करो। अरे गुड मॉर्निंग सिंह सीटी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सीटी कैंसल नहीं हुआ है, सीटी पोस्टपोन हुआ है। पर पोस्टपोन कब तक हुआ ये तो क्लियर नहीं किया ना यार, पहले तो डेट भी क्लियर था, अभी तो और भी डेट कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हमारे दिमाग में यार। तो मैं बच्चों, देखो आप लोगों ने ट्वीट किया है, आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग विथ यू, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ उस बात को, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों ने जो किया सही किया, मैंने मेरे स्टेटस पे भी डाला था। बट मैं आपको आज एक बताना चाहूँगा कि आप फिर से एक ट्वीट करिए, सर को बोलिए सर डेट बताओ, आई डोंट नो, हमको डेट चाहिए, एक फिक्स डेट बताओ ना, हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए यार। हाँ, राइट बेटा, अभी नीरज जो भी है वो हो जाएगा बेटा, प्रिपरेशन 10 जुलाई तक जाता तो इट इज़ गुड। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तू यार लकी है, देखो आपका अगर प्रिपरेशन हो रहा है तो प्रिपरेशन का इंक्रीज बढ़ाओ, पोस्टपोन के वैसे उसको स्टॉप मत करो। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे पब्लिक पढ़ रहा है, 180 मार्क्स में ला रहा है, अगर आप नहीं ला पा रहे तो वर्कआउट करो, आपके पास एक महीने का टाइम है। सीटी पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, जिस दिन और नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं बता दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना पढ़ाई स्टॉप नहीं करोगे अक्टूबर में। देखो बेटा, ज्योति नाते, वेट फॉर JEE अनाउंसमेंट, JEE अनाउंसमेंट अभी आ जाएगा तो वेट फॉर दैट ओनली। मुकुंद पाठक, गुड बेटा, अगर आज 180, देखो आपको और अगर ज़्यादा पोस्टपोन हो जाता है तो टॉपर ज़्यादा टॉप करेगा। चाय पियोगे बेटा, कोई चाय पिएगा? हेलो, चाय? नहीं, कौशिक बेटा किया है, आप देखो डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे हाय डाल देना, मैं वो आपको ट्वीट का फॉरवर्ड कर दूंगा, टेंशन नहीं। किया है। तो फाइनली व्हाट आई एम सेइंग, अच्छा जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया कर देना भाई, बहुत काम का है, आगे काम आने वाला है, नहीं किया तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, आराम से। तेजस मेहते, आराम से बेटा, आराम से। ज्योति नेते, सीटी के लिए कोई बुक्स ऐसा नहीं है मार्केट में, तो बहुत सारे जो भी अपने ऑलरेडी अवेलेबल है, ज्योति नेते फॉर 2020 ऐसे कोई बुक्स नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट बहुत सारे बुक्स तो मार्केट में अवेलेबल है। मुकुंद थैंक यू बेटा, नहीं, दिसंबर एंड तक नहीं चलना है। कोलंक क्या नाम है उसका, चार्ट, किसने बोला है? कोनार्क चौधरी बेटा, जिसे आपने इसका पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, कि मैंने बताया है कि ग्लैमा कंपनी ने अपनी दवाई लॉन्च कर दी है, अगर दवाई लॉन्च होगी तो इस महीने के एंड तक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सिटी सेल की वेबसाइट में नहीं है, जो न्यूज़ आया है वो ट्विटर पे, अक्टूबर तक जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मेरे को, अक्टूबर तक जाने के चांसेस बहुत कम है। विशाल मोरे, व्हाट्सएप पे हाय डालिए, बताता हूँ, हाउ टू गेट एडमिशन इन विजिट या है, COEP यूनिक मानस, सीटी से ही मिलता है एडमिशन, सीटी से ही है। मैं तो बोलता हूँ सर को, आप फिर से एक बात डालिए कि सर एक डेट फिक्स कर दो यार, सर को बोलिए एक मंथ तो फिक्स कर दो, एटलीस्ट जुलाई या अगस्त या सितंबर, जो भी एक डेट फिक्स कर दो।
फ्लॉइड एम जो भी हो न्यूज़पेपर में जस्ट न्यूज़पेपर की बातें हैं तो यू कैन वेट। अच्छी बात है बेटा, टी जो भी हो। हाँ बेटा, अर्पित बायो जो भी है थोड़ा रविंद्र पुर्णेकर। बोर्ड का रिजल्ट, हाँ बोर्ड का रिजल्ट सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आने वाला है। बोर्ड का रिजल्ट सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आने वाला है। मुकुंद पाठक, नाइस बेटा, गुड गुड। कोनक चौधरी, देखो बेटा क्या बोलते हैं कि ओडी इज अप्रूव्ड बाय डीजीसीए समथिंग, उन्होंने अप्रूव कर दिया, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो हर्ष बेटा, हर्ष क्या बोला, बहुत सारे क्वेरी है। अच्छा, बी टर्न्स हाउ टू इंक्रीज स्कोर 180 गिव द मॉक्स। किरण शेंडे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 160 आपको आ रहा है तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई डाल दीजिए। आई विल प्रोवाइड सम मॉक्स एंड ऑल, तो उसके वो मॉक्स आप वर्कआउट करिए। अब मैं तो ये बोलूँ सिटी सेल पर अभी तो अपडेट नहीं होगा, जस्ट वेटिंग फॉर दैट। मुझे आकाश, ओके, व्हाट आई एम सेइंग दिस इज सच में। हाँ हाँ, अर्जुन शुक्ला, 30 डेज के लिए तो मुझे तो लगता है कि पोस्टपोन हो चुकी है। 30 डेज एग्री विद दैट स्टेटमेंट, 30 डेज के लिए वो पोस्टपोन हो चुकी है, तो डोंट वरी अबाउट ईडीआर, 30 डेज के लिए पोस्टपोन्डेड है। नीट के बारे में रोहित, नीट के बारे में वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एंड नीट का जो डेट है वो ऑफिशियल मेरे हिसाब से जुलाई के एंड या अगस्त भी जा सकता है। देखो अभी कोई कुछ बोल नहीं सकते, पर क्या है कि एक मेडिसिन मार्केट में आ चुका है, मेडिसिन आर कमिंग इन द मार्केट, तो उसके हिसाब से व्हाट आई एम सेइंग कि बड़ ऑब्वियस है कि आपको एग्ज़ाम जो है वो जल्दी होने के चांसेस है बेटा। अगस्त में सीधी हो सकता है। हर्ष बेटा, आई एग्री विथ योर स्टेटमेंट, अगस्त में हो सकता है, बट मैं आप लोगों को सबको यही बोलना चाहूँगा, एमबीए स्टूडेंट्स करेंटली इन फोर्थ, कोनाक चौधरी, थैंक यू बेटा कोनाक चौधरी। कोनाक बेटा, अगर आप मेरा वॉइस सुन रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई डाल देना, बिकॉज मैं थोड़ा वो मेडिसिन के बारे में और थोड़ा सा अपडेट, वी वांट सम अपडेट, ठीक है। कोनाक चौधरी सी इज़ फ्रॉम केम, तो बट ऑब्वियस है कोनाक, अगर मुझे व्हाट्सएप, मेरा नंबर है व्हाट्सएप में है, आप हाई डाल देना, बिकॉज आई वांट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट उसको, थोड़ा हमको डिटेल में स्टडी करना है कि आपने बोला कि FDI ने नहीं किया है, बट DGCI जो भी है उन्होंने तो कर दिया है, तो उसका तो कोवाइडी का मुझे चाहिए, बिकॉज उसका लेटेस्ट न्यूज़ में बच्चों तक पहुंचा पाऊं और एग्जैक्ट न्यूज़ में बच्चों तक पहुंचा जाऊं। कोनाक बेटा को, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे तो कोनाक बस ना टैग कर देना, कोनाक जो भी हो चौधरी आप मुझे व्हाट्सअप करिए प्लीज़, बिकॉज मैं जान उस चीज़ पर और वर्कआउट करना चाहता हूँ, एंड आई विल गिव यू द प्रॉपर एग्जैक्ट कि बहुत सारे बच्चों को एग्जैक्ट न्यूज़ दे पाऊँ कि देखो अभी इस दौरान आपको एक चीज़ पे आप ध्यान दो, न उदय सावंत जी, न सीईटी, न पोस्टपोन, न कैंसिल, न कुछ, आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, जेनरिक मेडिसिन्स आर अवेलेबल। कोनान बेटा प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे हाई डालिए, मुझे और भी डिस्कस करना है, और भी चीज़ों पे वर्कआउट करना है, कोनक चौधरी, ठीक है।
हाँ इनिशियल स्टेज पे हैं, बट मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनका एज ज़्यादा है नहीं, 20-22 साल के बच्चे हैं, तो उनका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, तो इसका भी तो एक बेसिक हुआ ना बुद्धन पूछो, उसका भी तो एक देखोगे उसका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो उसको तो कोवाइड होने के चांसेस बहुत कम है। कोवाइड किसको हो रहा है, जिनका एज ज़्यादा है 55 के ऊपर है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और जो बच्चे लोग हैं, इन तीनों को ही कोवाइड होने के चांसेस है। ओके तो बाकी लोगों को भी है नहीं ऐसा नहीं, पर उनका चांसेस बहुत कम होता है। अगर 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 वो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हो जाता है तो आई डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ इट। नहीं आई एम एग्री, देखो बेसिकली पोस्टपोन होना ये तो हो ही चुका है वैसे भी। प्रथमेश के ओके हाँ भी आप लोग जुलाई ही पकड़ के चलो बिकॉज जुलाई एंड तक पकड़ के चलो, मुझे ऐसा लग रहा है। अबे केडी ग्रुप जो पर्सनल मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग मैंने कॉलेज प्रेडिक्टर का फॉर्म डाल के वो कॉलेज प्रेडिक्टर का फॉर्म भर दीजिए कॉलेज प्रेडिक्टर का, तो उस पर आई विल इन्फॉर्म यू कि आपको कौन सा कितना मार्क्स चाहिए। मेरे हिसाब से 98% चाहिए। हाँ अरे कॉलेज प्रोडक्ट नहीं रोहित शेलार बेटा, कॉलेज प्रोडक्ट नहीं कॉलेज प्रेडिक्टर कॉलेज प्रेडिक्टर बोला बेटा, कॉलेज प्रोडक्ट नहीं बोला, आई एम सॉरी, कॉलेज प्रेडिक्टर का जो मैंने फॉर्म डाला है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ कट ऑफ तो बढ़ेंगे यार, कट ऑफ बट ऑफिस बढ़ने वाले, बिकॉज बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम मिल गया, जितना पोस्टपोन हो जा रहा ना उतना ही आप लोगों को लॉस है यार, तो कट ऑफ तो बढ़ेंगे, आई एम एग्री विद दैट। ठीक है शायद चलो किसी और का कोई डाउट नहीं है, आई एम स्टॉपिंग यार, और कल एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। रोहित बेटा यू विल गेट मेल टुडे और टुमारो, आज कल में मिल जाएगा ये शालूंगे। हाँ बेटा ये शालूंगे पोस्टपोन हुआ है सीटी पोस्टपोन हुआ है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ इट एक्चुअली। ठीक है लेसी बेटा कौन सी फील्ड है रे, कितने से इंक्रीज होगा? यश शालूंगे हाँ ऑफिशियल है, उदय सामंत जी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट देखो आपके सामने ही है, ये जो सामने आपके ट्वीट है बेटा, जय महाराष्ट्र डीबी मोटिवेशन केडी ग्रुप मेल आएगा बेटा, आएगा आजकल में आप सबको मेल आएगा। एंटीजा पीयूष कांकड़े तुम्ही एक कॉलेज आपल्या चॅनलवरती कॉलेज प्रेडिक्टरचा एक फॉर्म आहे तो भरा, यू डेफिनेटली जेडब्ल्यू का मुकुंद पाठक, जेडब्ल्यू के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा बेटा, वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये तो उदय सामंत जी ने सी डी का अनाउंसमेंट दिया ना फॉर दैट। ठीक है ओके चलो सब लोग के डाउट्स शायद क्लियर हो चुके हैं। आरती मोकल आई एम सून कमिंग विद द नेक्स्ट कौन सेक्शन लेक्चर, एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर जूम पे नहीं लाना चाहूँगा मैं, गूगल मीट पे लाना चाहूँगा, बिकॉज वो मुझे लाइव लेक्चर जैसा वो फीलिंग लाना है। ठीक है ठीक है चलो, काफ़ी लोगों के डाउट्स मैंने क्लियर कर चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट करूँगा कि सीईटी इज पोस्टपोन्ड है। मैं थोड़ा सा मुंबई में रहता हूँ बेटा विरार, मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो व्हाट आई एम सेइंग गाइस कि एमएससी सीईटी पोस्टपोन्ड हो चुका है, पर कितने दिन के लिए हुआ ये नहीं पता चला है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा हमको। सेकेंड थिंग मेडिसिन मार्केट में आ चुका था, ग्लैनमार्क करके मेडिसिन आ गया है, वो कितने दिन के लिए वो अनाउंसमेंट नहीं किया बेटा, ग्लैनमार्क आज मेडिसिन इज अवेलेबल इन द मार्केट, तो जस्ट वेट, यू हैव टू वेट फॉर दैट कि वो मार्केट में अगर जल्दी से पहुँचेगा तो बट ऑब्वियसली उसका रिकवरी हो जाएगा और शायद एग्जाम का डेट कुछ ज़्यादा पोस्टपोन नहीं हो पाएगा। थर्ड थिंग आप प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप पढ़ाई करना स्टॉप मत करो। मुकुंद बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया और उस पर व्हाट्सअप पे हाई डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा हाउ टू गिव द मॉक्स। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि प्लीज़ डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, सीटी पोस्टपोन्ड हुआ है कैंसिल नहीं हुआ है, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सीटी कैंसिल नहीं हुआ है पोस्टपोन्ड किया गया।
और पोस्टपॉन कितने दिन के लिए किया गया है वो पता नहीं है, तो हाँ जो भी है बेटा, पर उससे सुवर्णा यादव वो राइट यार, वो राइट है, मतलब वो देते ही है, ठीक है पूछा रहा ना दिल कर दूँ वो है ही, ठीक है ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग गाइस कि प्लीज़ डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, प्लीज़ डोंट स्टॉप। बहुत सारे पब्लिक पढ़ाई कर रहा है, अगर आज आपने प्रिपरेशन स्टॉप कर दिया तो यू आर इन ट्रबल, आप लोग ट्रबल में आ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर स्कोरिंग गुड, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लीज़ डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, डोंट गो विद द अदर न्यूज़ एंड ऑल, कि यार बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट भी वीडियोज़ बनते हैं कि सीटी पोस्टपॉन, उसके ऊपर एवरी डे पे वीडियो बनता है, मत डालो, मत एवरी डे वाले वीडियोज़ मत देखो, सिर्फ रात को एक बार देख लेना, क्योंकि सुबह तो गलती से मत देखना, क्योंकि अगर सुबह देख लो तो पूरा दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगा, शाम को थोड़ा सा देख लो, कोई भी न्यूज़ है शाम को देख लो, आपको तो वैसे पता चल जाएगा। विनायक शुक्ला होने के चांसेस है बेटा, जुलाई में होने के चांसेस है बेटा, देयर इज़ चांसेस कि जुलाई में होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर कि सदर पढ़े का जो भी है कॉलेज प्रीडिक्टरी का फॉर्म भर दीजिए, आपको उसका पूरा पर्सेंटेज मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो वंस अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन गाइस, आपका प्रिपरेशन स्टॉप मत करना, अगर प्रिपरेशन स्टॉप कर दोगे यू आर इन ट्रबल। गिव द मॉक्स, इंक्रीज योर स्कोर, अगर एक महीने का टाइम बढ़ गया है तो आपको पढ़ने के लिए टाइम और मिल गया। हरिश्चंद्र बोवी कितने दिन के बाद अभी देखो, एक आध महीना पकड़ के चलो, अभी एक आध महीना तो पढ़ कर चलो। अभी CUP के लिए बेटा यू वांट एटलीस्ट 180 मार्क्स, ओपन के लिए 180 तो चाहिए यार, 180 चाहिए, ठीक है। चलो गाइज, थैंक यू फॉर दिस न्यूज़, तो प्लीज़ डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, मैं फिर से रिपीट करूँगा, डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन स्टॉप करोगे लटक जाओगे, मत करना। लेजी नसीब वाले नहीं है बेटा, पढ़ पढ़ के लोग पागल हो गए, कितना पढ़ेंगे ना यार, एक बार का खत्म हो जाए। ओके लेसी, चलो ठीक है गाइस, तो डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, दवाई आ चुका है कोरोना का, न्यूज़ आप लोगों ने मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अभी बताने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं है, कर दे हरिश्चंद्र दो यार, आप लोग 180 मारेगा। और हाँ एक अनाउंसमेंट है, कल सुबह 9 बजे अपना नेक्स्ट मॉक है, 9 बजे सुबह नेक्स्ट मॉक है। ओके चलो गाइस, बाय बाय। सिद्धार्थ आसमानी, CBSE का एग्जाम शायद कैंसिल किया गया है, CBSE का एग्जाम कैंसिल किया गया है। ओके चलो गाइस, बाय बाय। नीरज सिंह, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, नीरज सिंह मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पोस्टपॉन हो गया बेटा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका, आप देख लीजिए उदय सामंत जी का नोटिफिकेशन यार। ओके चलो बाय।